गांधी। यस सर। सेल्स एंट्री, सॉरी। वरुण तलनकर, टेल मी। अच्छा, ट्रॉली अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यस वरुण सर। तलनकर, एक्सेप्टेंस एंट्री। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू एक्सेप्टर अकाउंट। जी आशा, रिटेन्ड बिल का डीलिंग एंट्री। जी आशा, रिटेन्ड बिल का डीलिंग एंट्री। नो नो एंट्री। एंट्री। एम आई ऑडिबल क्लियरली? यश वोरा, रिटेन बिल का ऑनर एंट्री। कैश अकाउंट टू डीआर अकाउंट। वेरी गुड। बंसी जोशी, रिटेन बिल डिसऑनर्ड। एक्सेप्टर टू बीआर अकाउंट। वेरी गुड। मेघा गोयल, एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड। एक्सेप्टर टू एंडोर्सी। प्रियल पारेख, बीएफसी का बिल गेटिंग ऑनर्ड। ईशा, बीएफसी का बिल गेटिंग डिसऑनर्ड। एक्सेप्टर टू बीएफसी। एक्सेप्टर टू बीएफसी। हितांशी, रिटेन बिल गेटिंग डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। एक्सेप्टर टू बीआर टू। एक्सेप्टर टू बीआर टू कैश। कैश वी आर पेइंग राइट ऑन हिज बिहाफ। एक्सेप्टर टू बीआर टू कैश। परफेक्ट। रिया लातिया, रिटायरमेंट एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल। कैश रिबेट टू बीआर या कैश रिबेट टू एक्सेप्टर? बीआर। श्योर? या सर। निशीशा, रिन्यूअल का मीनिंग बोलो। व्हेन द डेटर आस्क्स द क्रेडिटर टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ द बिल एंड ही पेस सम पार्ट ऑफ द सम पार्ट इफ ही पेस एट ऑल अदरवाइज द पीरियड इज एक्सटेंडेड एंड अ न्यू बिल इज मेड। What is the first step of renewal? Dishonor entries. Dishonor entry. Entry number 5 or 6 with or without noting charges, right? Devansh, second step of renewal. Devansh must be Goa mein baitha. So second step of renewal is dishonor of entry. So interest. Nahi, wo to third. Cash. Part payment. Cash. Part payment. What is the entry for part payment? Part payment received, मतलब cash account to acceptor account. Cash to acceptor. Anuj, third step. Interest receivable. Entry. Entry acceptor to interest. Very good. Acceptor to interest. Fourth step, Harsh. New bill is made. Entry. Bills receivable to acceptor. Priyansh Kapasi, tell me retained bill dishonored with noting charges. Acceptor account to BR account to cash account. Barabar hai. Ruchi Lathia, tell me endorsed bill dishonored with noting charges. Yes, so acceptor to endorsee. Both inclusive of? Noting charges. Oram Malaviya, BFC ka bill dishonored with noting charges. Acceptor to BFC to bank. Paravan, हमारे जेब से जा रहा है। Rutva, discounted bill getting dishonored with noting charges. Accepted inclusive of noting charges to bank. Inclusive of noting charges. Ziya Savla, what is insolvency? When the debtor is unable to pay us the amount, he becomes bankrupt. Becomes insolvent. So, what are the two steps of insolvency? First is the dishonor entry entry or number 5 or 6, yes. And then half amount is paid. So, cash. Whatever is paid, half, 1/4, whatever is paid. So, entry kya hogi? Cash bad debts to acceptor. Cash bad debts to acceptor. Chaitya, tell me sales entry. Mute pe ho. You're still on mute. Drawer to sales. Drawer to sales. What, man? Heart attack, Giro. Question zoo or two? Sales entry. Sales entry, na? Hmm.
तो ड्रॉवर टू सेल्स ना हम लोग किसके बुक में लिख रहे हैं कौन हूँ अभी एंट्रीज किसके बुक में चल रहा है अपने अपना हम लोग कौन है ड्रॉवी हम लोग ड्रॉई है नहीं सॉरी ड्रॉवर है तो फिर डेप्टर हाँ हम लोग डेटर है हाँ तो नहीं डेटर नहीं जर्नल ऑफ बुक अपना है मतलब अपना है हम लोग कौन है ड्रॉवर की ड्रॉई ड्रॉवर हम लोग ड्रॉवर है ठीक है ड्रॉवर के बुक में सेल्स एंट्री में ड्रॉवर का नाम कैसे आ सकता है नहीं ड्रॉवर का नहीं ड्रॉवी का आता है सॉरी ड्रॉई टू सेल्स हम लोग क्रेडिटर है पहला चालू करने में गड़बड़ कर लोगे सब जीरो हो जाएगा याद रखना हम लोग ड्रॉवर है ओके ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं आएगा ड्रॉई टू सेल डेटर टू सेल वी आर क्रेडिटर्स हम लोग क्रेडिटर के बुक में लिख रहे हैं क्रेडिटर के बुक में डेटर टू सेल ओके डेटर का अकाउंट बनता है डेटर टू सेल टेल मी एक्सेप्टेंस एंट्री चाहिए एक्सेप्टर अकाउंट टू नहीं नहीं बीआर अकाउंट टू एक्सेप्टर बीआर टू एक्सेप्टर टेल मी रिटेन बिल डिसऑनर्ड रिटेन बिल डिसऑनर्ड एक्सेप्टर टू बैंक नहीं बीआर बी एक्सेप्टर टू बीआर एक्सेप्टर टू बीआर बताओ टू राइट थ्री टाइम्स टाइप किया थ्री टाइम्स आई वॉन्ट टूडे ओके प्रैक्टिस देखे बिना करना पहले पढ़ना फिर लिखना कशिश संघवी टेल मी सेल्स एंट्री एक्सेप्टर टू सेल्स या ड्रॉई टू सेल्स यश वोरा एक्सेप्टेंस एंट्री बिल्स रिसीवेबल टू एक्सेप्टर बिल्स रिसीवेबल टू एक्सेप्टर जैनम शाह एंडोर्स बिल गेटिंग डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस अनम्यूट नॉट ऑडिबल गर्गी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस एक्सेप्टर टू एक्सेप्टर विथ नोटिंग चार्जेस इंक्लूडेड टू बैंक इंक्लूडिंग ऑफ नोटिंग चार्जेस दोनों में किरण शाह बीएफसी का बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस Acceptor account inclusive of noting charges to bank account to BFC account. To bank to BFC. To BFC to bank. Yes. Manan Patel, tell me endorsed bill getting honored. Endorsed bill getting honored. No entry, sir. No entry. Very good. Retirement of a bill ka entry bolo. Retirement of a bill. Cash account debit, rebate account debit to bills receivable. Cash rebate to bills receivable. Bansi Joshi, endorsed bill getting dishonored without noting charges. Bansi, endorsed bill getting dishonored. I don't know. Retained bill getting dishonored. Acceptor to BR account to cash account. Without noting charges. Tell me sales entry. Drawee account to acceptor account. Drawee to acceptor dono ek hi bande hai bhai. Drawee to sales hota hai. Sorry, drawee account. Right, three times. Write three times and different ink se likhna hai chaitya bansi black ya red ink se likhna last time jo pdf bheja tha wo padha hua hai so copy paste karke sense nahi banta hai write with a different ink okay maya tell me sales entry acceptor or drawee to sales tell me acceptance entry bills receivable to acceptor Tell me retained bill honored. Retained bill honored. Retained bill honored will be cash to bills receivable. Cash to bills receivable. Endorsed bill dishonored.
No entry. Dishonored. Oh, sorry. Acceptor to endorse. BFC का bill dishonored. Acceptor to BFC. देख के बोल रही हो. अच्छा है. Write it. Write it 3 times. Anuj, sales entry. Draw it to sales. Acceptance entry. Acceptance entry. Bills receivable to acceptor. BFC ka bill getting honored. BFC ka bill getting honored. Bank to bank charges account. Bank account, bank charges account to BFC account. Bank charges to BFC. Endorse bill getting dishonored. Endorse bill getting dishonored. Acceptor to endorsee. Acceptor to endorsee. Okay, let's start with the problems. 3 logo ko likhna hai 3 times with a different ink, red ya black ink se likh ke bhejna. PDFs. Take out the textbook, class sheet, class notes. Term 2. आज अभी नोटिंग चार्जेस वाले सम्स करने अपने को. So come to sum number. Last we did eight sum. Now you take sum number 7. All of you draw for sum number 7. Sum number 7. Right. Read the first line. Tell me in whose books are we going to write? Check all of you. Sum number 7. In the journal of Sachin. In the journal of Sachin. Any problem, anyone in that? Sachin sold goods to Saurav. Sorted? All of you? Chaitya ko samjha? Pansi Joshi? In the books of Sachin. So in the journal of Sachin, Sachin is the seller. Sachin is the one who is supposed to receive the money. Sachin is the drawer of the bill. Sachin is the creditor in the transaction. So creditor, drawer, seller, one who has to receive the money, all are one and the same. So in the journal of Sachin. In the journal of Sachin. Okay. Draw it up. So we have to write narrations now. Yes, also. Yes, yes, yes. I'll tell you when to stop narrations. Come on. Bansi Joshi, why is your video off? Sorry. Chalo. Sum number 7. All of you take sum number 7. Sachin sold goods of 10,000 to Saurav on 3rd August 2020. Nirag, what will be the entry? In the books of Sachin. Sales entry. Sorry? Sales entry. Yeah, bolo. एंट्री क्या होगी सौरव टू सेल्स नहीं आता निराग को सौरव टू सेल्स इज द एंट्री राइट डाउन सौरव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट इज 10,000 सौरव टू सेल्स दैट इज 10,000 नरेशन लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड टू सौरव बीइंग गुड्स सोल्ड टू सौरव
This is happening on 3rd August 2020. Okay. Saurav accepted the bill for the same, which was endorsed to Rahul. Nirag, Saurav accepted the bill. Tell me the entry for acceptance, Nirag. Only Nirag will answer. Acceptor account. Acceptance entry. Drawee account to acceptor account. Roy, acceptor दोनों एक ही होता है. BR to acceptor. Nirag, write three times. Write three times. Anyone? What is the acceptance entry? Bills receivable to acceptor. Who is the acceptor? Saurav. Bills receivable account debit to Saurav account. Sorry. कितने का बिल एक्सेप्ट करेगा वो 10,000 क्योंकि हमने 10,000 का गुड सेल किया ही हैज टू गिव अस 10,000 वो कैश नहीं दे रहा है बिल दे रहा है बीइंग बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बीइंग बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड ठीक है बिल्स रिसीवेबल टू सौरव अकाउंट दैट्स योर एक्सेप्टेंस एंट्री इफ यू रीड द क्वेश्चन फर्दर व्हाट इज गिवन चेक पहला डेट 3rd अगस्त को सेल हुआ सेम 3rd अगस्त को बिल एक्सेप्ट हुआ विच वॉज एंडोर्स्ड टू राहुल सो व्हाट इज हैपनिंग टू द बिल जी आशा इज एंडोर्स्ड टू राहुल सो व्हाट डीलिंग एंट्री वी शुड पास नाउ आफ्टर राहुल टू बीआर वेरी गुड राहुल अकाउंट डेबिट टू बीआर दैट इज एंडोर्सी टू बीआर एंडोर्समेंट का डीलिंग एंट्री Rahul account debit to bills receivable account. Rahul account debit to bills receivable account. Being BR endorsed to Rahul. Being BR endorsed to Rahul. Date kya hoga endorsement ka date? If nothing is given, what is the date of endorsement? Same date. Same date. 3rd August 2020. 3rd August 2020. Is that clear? 3rd August 2020. That is the last date. Same date. Sorry. Same date pe sale. Same date pe acceptance. Same date pe dealing. Next part. After endorsement. After endorsement. So, humne sale kiya. Bill aaya. Bill endorse ho gaya. Ab mujhe ek baat batao. Agar ye bill honor ho jata. Would there be any entry? In our books? No. Entry. Okay. Story वहीं पे खत्म हो जाती. Endorsee जो अपना राहुल है, would have collected the money from Saurav. तो story खत्म हो जाती. हमारे book में कोई entry नहीं आती. वहाँ पर ही खादु पीदू राजकीय. लेकिन check करो सब लोग. Is the bill getting honored or dishonored? Check. Renewed. Renew हो रहा है. On the due date, the bill was renewed by Saurav. Can you see that? रिन्यू हो रहा है मतलब क्या रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रियांश कपासी कैन यू टेल मी द डिसऑनर एंट्री फॉर दिस बिल बट देन सर वी नीड टू साउरव अकाउंट टू राहुल अकाउंट विद नोटिंग चार्जेस वेरी गुड विद नोटिंग चार्जेस देखो पढ़ो क्या दिया है ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज रिन्यूड बाय सौरव फॉर 4 months बाय पेइंग नोटिंग चार्जेस and half the amount in cash and accepting a new bill for the balance plus interest at the rate of 12% per annum. Noting charges were rupees 10. Question mein pehli bar, can you see noting charges? For the first time, you will see noting charges question. Can you all see that? तो नोटिंग चार्जेस दिख गया रिन्यूअल के पार्ट में आपको नोटिंग चार्जेस किधर भी स्टेटमेंट में दिख गया इसका मतलब है कि बिल गॉट डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज बिल गॉट डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्ज तो देखो हमने सेल किया था हमें बिल मिला था सौरव से वो बिल हमने राहुल को दिया था फिर राहुल गया होगा सौरव के पास पैसा लेने सौरव ने मना कर दिया तो राहुल को गुस्सा आया जैसे राहुल द्रविड़ को अभी गुस्सा आ रहा है वैसे राहुल को गुस्सा आया और राहुल ने क्या किया नोटिंग करवा दिया बिल का नोटिंग करवाया तो चार्जेस किसने पे किया होगा
राहुल ने पे किया था। राहुल ने पे किया होगा। राहुल किससे वसूलेगा? From us. And हम लोग किससे लेने वाले हैं? सचिन। सचिन तो हम ही सौरव। सौरव से लेंगे। See, राहुल के पास बिल था। राहुल वेंट टू सौरव, द क्रेडिटर वेंट टू डेटर, बोला पैसे ला, तो सौरव ने बोला पैसा नहीं है। राहुल को आया गुस्सा, राहुल भागा सीधा कोर्ट में, बाहर नोटरी के पास नोट करवा दिया और चार्जेस पे कर दिया। पैसा राहुल ने दिया है, बट राहुल विल रिकवर दैट मनी। वी डिड नॉट पे एनीथिंग। वी हैव नॉट पेड एनीथिंग। वी हैव नॉट पेड एनीथिंग। हु हैज पेड द नोटिंग चार्जेस इन दिस केस? राहुल हैज पेड। राहुल हैज डन द नोटिंग पार्ट एंड राहुल हैज पेड द नोटिंग चार्जेस। राहुल विल रिकवर द मनी फ्रॉम हुम? फ्रॉम अस। ओके, फ्रॉम सचिन। वी आर सचिन। हमसे रिकवर करेगा। उसका सौरव से कोई लेना देना नहीं है। राहुल का सौरव से कोई लेना देना नहीं है। राहुल अपने बिहाफ पे गया था सौरव के पास, याद रखना। तो राहुल अभी पहले ही पे किया है, बट राहुल विल रिकवर द मनी फ्रॉम अस। वी हैव टू पे द बिल अमाउंट एंड नोटिंग चार्जेस टू राहुल। इज दिस क्लियर? अपने को राहुल को अभी दो चीज पे करना पड़ेगा आफ्टर डिसऑनर। क्या पे करना पड़ेगा? बिल का पैसा प्लस नोटिंग चार्ज। और हम लोग वो पैसा किससे वसूलेंगे? वी विल रिकवर इट फ्रॉम हुम? द डेटर। वी विल रिकवर इट फ्रॉम डेटर। इज दिस स्टोरी क्लियर? एनी कंफ्यूजन? टेल मी एनीवन। नो सर। हम लोग सचिन है। हमारा क्रेडिटर था राहुल। हमने उसको बिल देके सेटल किया था, लेकिन बिल गॉट बाउंस्ड। सौरव ने पैसा नहीं दिया, राहुल ने नोटिंग करवा दी। अभी राहुल नोटिंग चार्जेस जो है 10 रुपीज, वो भी अपने से लेगा, और बिल का पैसा 10,000 वो भी अपने से लेगा। मतलब इन शॉर्ट, वी नीड टू पे राहुल 10,010 रुपीज। अपने को राहुल को 10,010 रुपया देना बाकी, और यही 10,010 हम लोग किससे वसूलेंगे? फ्रॉम सौरव। सौरव से वी विल रिकवर दैट 10,010 रुपीज। इज दिस पार्ट क्लियर? So, what was the dishonor entry, Priyansh Kapasi? Can you tell me again, what is the dishonor entry of this bill? Saurav account to Rahul account. Saurav account debit to Rahul account. क्या सबको समझ आया ये entry कहाँ से आई? Renewal हो रहा है। Renewal का first step क्या होता है? Dishonor. कौन सा dishonor entry करना है? Retained bill dishonor, endorsed bill dishonor, BFC bill dishonor की discounted bill dishonor? Endorsed bill dishonor. Okay, because the bill was endorsed. With noting charges or without noting charges? With noting charges. Bill mein noting charges question mein dikh gaya, matlab it is with noting charges. So, Saurav to Rahul, what should be the amount? That is $1 million question. 10 will be deducted from both. Deducted nahi beta, added. Added. दोनों में inclusive of noting charges 10,010 rupees. Deduct नहीं, add. सौरव से 10 rupees extra लेना है और राहुल को 10 rupees extra देना है. समझा? Including bill amount plus noting. Normally क्या होता है entry? सौरव to राहुल 10,000 होता है, right? सौरव to राहुल 10,000. मतलब सौरव से 10 लेना है, राहुल को 10 देना है. इस बार 10 rupees एक्स्ट्रा क्यों देना है आपको? बैठ रहा है दिमाग में? Who has paid the noting charges? किसको गुस्सा आया? राहुल. राहुल has paid that 10 rupees to that notary public. Okay? राहुल के जेब से कैश गया है. राहुल किससे वसूलेगा? We'll take it from us. And we will vasoolify from? Sorry. तो सौरव को डेबिट करो, राहुल को क्रेडिट करो. डेटर भी बढ़ा, क्रेडिटर भी बढ़ा, एसेट भी बढ़ा, लायबिलिटी भी बढ़ा. इधर लिखना है बीइंग बीआर डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. विथ नोटिंग चार्जेस. बीइंग बीआर डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. अभी डेट, व्हाट विल बी द डेट ऑफ डिसऑनर? कैन यू टेल मी? 6 दिसंबर. 6 दिसंबर. पैसा दिसंबर. हाउ मेनी मंथ्स का बिल इट वाज? 4 महीने का बिल था. 3rd August. 4 महीना. 3rd September, 3rd October, 3rd November, 3rd December. सर डेट नहीं दिया है क्वेश्चन में. रिन्यू 4 महीने के लिए हुआ है.
बिल का पीरियड न्यू बीआर इज फॉर 4 मंथ्स वो रिन्यू हुआ 4 महीने के लिए पहला बीआर का मंथ नहीं दिया है क्या एक मिनट सर नहीं दिया पहला बीआर का मंथ ही नहीं दिया सेकंड बीआर रिन्यू हो रहा है अभी बीआर जो है वो रिन्यू हो रहा है फॉर 4 मंथ मतलब आगे एक्सटेंशन मांग रहा है वो 4 महीने का पहला बिल का पीरियड पता है अपने को वी नो फर्स्ट बिल का पीरियड सो विल यू बी एबल टू कैलकुलेट द ड्यू डेट From now, we'll not write the date. We'll not write the date. What we'll do, we'll put dash. We'll put dash. Okay? Original bill ka period. So put a dash. Theek hai? Aage badho. What is the second step of renewal, Nishisha? Part payment. Part payment. I want you all to read the question. What is Saurav paying us in part payment? Kya de raha hai wo? Dekho, padho. A new bill. Renewed the bill for 4 months by paying noting charges and half the amount in cash. Can you all see that? What is Saurav giving us? Half the amount half plus. Amount. Noting charges and half the amount of bill in cash. Mere ko bolo, Saurav se kitna paisa lena hai abhi at present? 10,010 लेना है हमने बोला कुछ तो दे तो सौरव ने क्या बोला मैं आपको नोटिंग चार्जेस का 10 रुपया और बिल का आधा अमाउंट बिल का आधा मतलब 10,000 का आधा कितना 5,000 तो मैं आपको 10 रुपया प्लस बिल का आधा अमाउंट अभी का अभी दे रहा हूँ तो हाउ मच कैश आर वी रिसीविंग राइट नाउ 5,010 रुपीज Is this part clear? Is he giving us interest in cash? No. Interest will come with? Which part? Interest will come with new bill. Ke saath dega. Padho. What is he giving in cash? Read that question part. Saurav renew, Saurav, on the due date, the bill was renewed by Saurav for 4 months by paying noting charges. And half the amount in cash and accepting a new bill for the balance plus interest at the rate of 12% per annum. Noting charges. So now at present, Saurav is giving us 5,000 of bill plus 10 rupees of noting charges in cash. Achha, ab bacha kya? Saurav ko aur kya dena baki apne? 5,000 बिल का देना बाकी है बराबर है वो 5,000 वो कितना लेट दे रहा है कितना एक्सटेंड कर रहा है 4 months तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग बड़े शाने हम लोग क्या करेंगे वो 5,000 पे क्या करेंगे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जरूर करेंगे तो वो 5,000 रुपीज प्लस जो उस पर इंटरेस्ट आएगा वो कब देगा सौरव 4 महीने बाद देगा बिल के साथ आर यू गेटिंग दैट वो बिल के साथ एक्सेप्ट कर रहा है मतलब 4 महीने बाद उसके पैसे आएंगे तो पिक्चर क्लियर हुआ सौरव से कितना लेना था हाउ मच वर यू सपोज टू रिसीव इनिशियली फ्रॉम सौरव एट प्रेजेंट बिफोर रिन्यूअल कितना लेना है बाकी अभी उससे टोटल 10,010 लेना बाकी है फिलहाल बराबर है अभी डिसऑनर हुआ है ना तभी 10,010 रुपीज लेना बाकी है ये बात क्लियर हुआ 10,010 में से ताबड़तोब कितना दिया उसने 5,000 दे दिया तो बैलेंस कितना बाकी है 5,000 बाकी है वो 5,000 पे हम लोग क्या चार्ज करेंगे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे समझो आया 100 रुपया तो फिर वो नया बिल कितने का एक्सेप्ट करेगा अभी 5,100 he has to give us 5,100 after 4 months because he is accepting a new bill for that sir yeah बोलो If the noting charges were not included while he was giving us the part payment, then while calculating interest, we would have included noting charges. Yes, we would include the noting charges. So interest would be calculated on 5,010 in that. Okay, sir. Here he has paid. Whatever is the balance amount, now you have to calculate interest on that. Simple. So right now, out of 10,010, what is the balance amount? 5,000. So you calculate interest on 5,000. Yes, sir. And sir, the noting charges can't be split. Like it is just mentioned that he is paying half the amount and noting and not the noting charges. So it will be 10,000 ka half, right? Not 10,010 ka half. Only 10,000 ka half. Yes. Only half the amount, matlab bill ka half. And sir, what would be the entry if he would have paid the noting charges and interest both together?
हाँ सेम पार्ट पेमेंट की एंट्री है, खाली स्वैप कर देना है. इंटरेस्ट अगर कैश में आ रहा है तो सेकंड और थर्ड स्टेप को स्वैप कर देने का, समझा? कल किया था ना हमने. इंटरेस्ट अगर कैश में आता है तो सेकंड और थर्ड स्टेप को स्वैप या सेकंड और थर्ड स्टेप को मर्ज, दोनों प्रेजेंटेशन चलता है. यहाँ पे इज ही पेइंग अस इंटरेस्ट इन कैश, नो. वो स्वैप करने की जरूरत है सेकंड और थर्ड स्टेप को, नहीं. ओके, इट इज कमिंग विद न्यू बे. तो हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं. सेकंड स्टेप अपना पार्ट पेमेंट. व्हाट इज द एंट्री फॉर पार्ट पेमेंट? कैश टू एक्सेप्टर. कैश अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर. कौन है? सौरव. कैश टू सौरव. सोच के बताना कितना अमाउंट आ रहा है कैश में, अभी पता होना चाहिए सबको. 5000 + 10. अग्री? क्या क्या दे रहा है? क्वेश्चन पढ़ा सबने. इज गिविंग अस बिल का आधा अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस इन कैश. बिल का आधा अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस इन कैश बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव अलोंग विद नोटिंग चार्ज. बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अलोंग विद नोटिंग चार्जेस. ठीक है, तो भाई ने 5000 दे दिया और नोटिंग चार्जेस दे दिया. अभी पेंडिंग अमाउंट कितना है? कितना पेंडिंग है? अभी भी कितना लेना बाकी है? 5000 अभी भी लेना बाकी है. तो थर्ड स्टेप हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट? एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट. दैट इज, हु इज द एक्सेप्टर? सौरव टू इंटरेस्ट. राइट, सौरव टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है. किस पे कैलकुलेट करना है? 10,010 पे करना है. 5,010 रुपीज में से 5,010 तो दे दिया है. जो दे दिया है उस पे क्यों इंटरेस्ट करना है? जो बाकी है उस पे करोगे ना, जो डिले कर रहा है. डिले कर रहा है, 4 महीने बाद देने वाला है अभी 5,000. तो 5,000 रुपीज पे एट द रेट ऑफ व्हाट? व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12% फॉर 4 months. 12% फॉर एक्सटेंडेड पीरियड. कितना एक्सटेंशन मांगा है? 4 months. 4 by 12 कितना आता है? ये 12 कट. दिस बिकम्स आई थिंक 200 रुपीज. इज दैट राइट? तो 200 रुपीज का इंटरेस्ट है. 200 रुपीज का इंटरेस्ट है. दिस इज बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल. बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल. नाउ टेल मी व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप क्या होता है? न्यू बिल. न्यू बिल इज एक्सेप्टेड. राइट, सो एंट्री क्या होगी न्यू बिल एक्सेप्टेंस की? सेम, बिल्स रिसीवेबल टू एक्सेप्टर. सौरव. Bills receivable to Saurav. But amount. Amount kya hoga? Would it be 10,010, 5,010, 5,000 ki 5,200? What will be the amount of this movie? 5,000. Kya hona chahiye amount of this movie? Socha. Simple. 5,200. Only 5,000? 5,200. Ki 5,210. 5,200. 10 rupees noting charges he has already paid, right? So right. So what will be the amount of new bill? 5,200. See, I'll explain again in short. क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे एक बात बोलो. सौरव से एक मिनट. Being BR accepted with interest. मुझे एक बात बोलो, जब डिसऑनर हुआ बिल तब सौरव से अपने को कितना पैसा लेना था? सौरव से कितना पैसा लेना था बोलो? 10,010 रुपीज. बराबर है, 10,010 रुपीज लेना था. अच्छा, उसके बाद उसने कितना पैसा दिया अपने को इमीडिएटली? 5,000. इसमें से 5,010 रुपीज दे दिया आपने को इमीडिएटली, तो बचा कितना? 5,000 बचा. मतलब आइडियली उसको 5,000 देना बाकी था. तो हमने क्या बोला कि 5,000 तो 4 महीना लेट दे रहा है, तो हम इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे. इंटरेस्ट कितना मिला? 200 रुपया. 200 रुपया इंटरेस्ट. डिड ही गिव अस दैट 200 इन कैश? 200 रुपया उसने अपने को कैश में दिया.
तो फिर किसके साथ दिया, किसके साथ देना पड़ेगा उसको? बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट मतलब ड्यू बिल बीआर के साथ। तो बीआर के साथ कितना देना पड़ेगा? 5000 प्लस 200, 5200। आर यू गेटिंग दिस? देखो हमेशा याद रखना, जब भी कोई डेटर बिल डिसऑनर करता है, जब भी कोई डेटर बिल डिसऑनर करता है तो उसको हमें तीन चीजें देनी है। सब लोग कान आंख नाक मुंह खोल के सुनो, डेटर को अपने को तीन आइटम्स का पैसा देना है, तीन चीजों का पैसा देना है। क्या क्या देना है? बिल अमाउंट देना है, देना है और नोटिंग चार्जेस देना है। आर यू लिसनिंग? डेटर हैज टू पे अस थ्री अमाउंट, बिल अमाउंट, नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट। तीनों देना ही है, अभी उसकी मर्जी। कैश में देना है तो कैश में दे देगा, न्यू बिल में एक्सेप्ट करके देना है तो न्यू बिल में एक्सेप्ट करके देगा। लेकिन ये तीन आइटम्स उसको झक मार के देना पड़ेगा अपने, बिल अमाउंट, इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्ज। आर यू गेटिंग दिस? तो इन दिस प्रॉब्लम व्हाट डिड ही गिव अस इन कैश, व्हाट डिड ही गिव अस इन कैश? आउट ऑफ दिस 10,000 प्लस 10 प्लस 200, उसने कैश में कितना दिया अपने को? बोलो 5,000 प्लस 10। मतलब 10,210 में से 5,010 दिया, तो बचा कितना? 5,200, 200 रुपया इंटरेस्ट और 5,000 ऑफ बिल, दैट विल कम विद न्यू बिल एक्सेप्टेड। दिख रहा है आपको? व्हाट इफ उसने इंटरेस्ट भी अगर कैश में दे दिया होता, 200 रुपया ये जो इंटरेस्ट है ये कैश में दे दिया होता, तो कैश कितना आता अपने पास? कैश कितना मिलता आपको? 5,210 मिलता, 200 रुपया अगर कैश में दे दिया होता तो। और इन दैट केस न्यू बिल कितने का होता? 5,000। टोटल मिला के 10,210 देना ही है। समझ में आ रही है आपको बात? कैसा भी दे। अच्छा आपको ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ही पेड नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट इन कैश, ही पेड नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट अमाउंट इन कैश। बिल का एक भी रुपया नहीं दिया, बिल का 10,000 में से एक भी रुपया नहीं दिया, खाली इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस कैश में दिया। 210 मिलेगा और बिल में कितना एक्सेप्ट करेगा वो? 10,000। समझ में आ रही है? पूरा मिला के उसको पैसा, अभी ये सिचुएशन में इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, 200 का 400 रुपया हो जाएगा, बट जस्ट टू मेक इट सिंपल आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन पढ़ने का, व्हाट इज ही गिविंग इन कैश? जो कैश में दे रहा है ना उसका बैलेंस जो भी बचा हुआ है वो बिल में दे देगा, सिंपल एज। जो अमाउंट कैश में आ गया है उसका रिमेनिंग अमाउंट, बैलेंस अमाउंट आपका बिल में आ जाए। बिल और कैश दोनों मिला के उसको तीन चीज देना है, 10,000 बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्ज। इज दिस क्लियर? तो क्वेश्चन में और वेरिएशन हम लोग देखेंगे, जब वो कैश में देता है कुछ, कुछ बिल में देता है। ये वाला एग्जाम्पल समझा आपको? इस एग्जाम्पल में क्या दिया था उसने? ही गेव अस नोटिंग चार्जेस का 10 रुपीज प्लस 5,000 ऑफ बिल इन कैश, तो 5,010 अपने को मिल गया। बैलेंस 5,000 बिल का और 200 रुपया इंटरेस्ट का, दैट इज गिविंग विद न्यू बिल, तो 5,200 इज कमिंग विद न्यू बिल। इज दिस क्लियर? बढ़ो आगे। रिन्यूअल का चार स्टेप्स हो गया। रिन्यूअल के बाद व्हाट इज हैपनिंग टू द रिन्यूड बिल? न्यू बिल को क्या हो रहा है? अच्छा बीच में एक और एंट्री टपका है, सचिन सेटल्ड राहुल्स अकाउंट बाय चेक। किसी को क्लिक हुआ? ये कौन सा एंट्री है? राहुल बैंक सेटलमेंट। किसका सेटलमेंट एंट्री है? राहुल का। याद है वो एक्स्ट्रा एंट्री स्टार मार्क किया हुआ था मैंने एक सम में, हमने किया भी था। कौन से सम में किया था? वो चिराग वाला सम था, चिराग को बिल एंडोर्स किया था। ओके तो एंडोर्स ही राहुल, राहुल को कितना पैसा देना बाकी है? याद है आपको कि भूल गए? 10,010 Why only 10,000 we are supposed to pay na? Noting charges. With noting charges. Can you see this entry? Saurav to Rahul. Rahul को कितने से credit किया है हमने? 10,000 and
10. तो राहुल को कितना पैसा देना बाकी है? हाउ मच आर वी सपोज टू पे टू राहुल? बोलो. 10,000 and 10. What entry we will pass for this? What entry we will pass? Rahul to bank. Rahul to bank. Liability कम हुआ तो debit. Creditor कम हुआ तो debit. और asset कम हुआ. Bank balance कम हुआ. आ रहा है. तो Rahul to bank. 10,010. ये कौन सा entry है? ये proforma में नहीं है. Extra entry है. क्या हर एक सम में पास करना है ये entry को? नहीं. अगर आपको क्वेश्चन में दिया है क्रेडिटर सेटल हो रहा है, एंडोर्सी सेटल हो रहा है, तो ही करना. हर एक सम में ये एंट्री नहीं आने वाली. बीइंग राहुल्स अकाउंट सेटल्ड, बीइंग सो इंस्टेड ऑफ कैश बैंक वी कैन राइट कैश ना. हियर यू हैव टू राइट बैंक बिकॉज़ इन द क्वेश्चन इफ यू रीड दे हैव गिवन यू चेक. क्वेश्चन में चेक दिया हुआ है तो बैंक ही लिखना पड़ेगा. राहुल टू बैंक, चेक से सेटल किया. ये एक्स्ट्रा एंट्री है, हर एक सम में नहीं करना है. क्वेश्चन में दिया है, आपने क्रेडिटर को सेटल किया है, तो ही ये एंट्री कर. अदरवाइज डोंट डू दिस. ठीक है. राहुल, राहुल को कुछ भी पैसा देना बाकी है अभी कि पूरा सेटल हो गया? राहुल बोलो, राहुल को कुछ भी देना है कि राहुल इज सेटल्ड? क्रेडिटर सेटल हो गया. अभी आ जाते हैं बैक टू अवर स्टोरी ऑफ न्यू बिल. व्हाट इज हैपनिंग टू द न्यू बिल? ऑल ऑफ यू चेक. Insolvent. On the due date, Saurav became insolvent and nothing could be realized. ये Saurav गया गुजरा ही है. पहले तो renew करवाया, थोड़ा बहुत पैसा दिया, अभी वापस bankrupt हो गया. मेरे को बोलो, what is the first step of bankruptcy? Dishonor. Yeah, dishonor. Can you tell me the entry Yash Vora for dishonor? Dishonored entry, Rahul account. No, no, bank. Saurav account to BR account. Where is this bill? Where is this second bill? With us only. With us only. It is retained. All of you got to know that. Second bill, ये वाला bill अपने पास ही है. 5,200 वाला bill retained है. समझ में आया ना? कुछ नहीं दिया story में तो. तो अपने पास ही है. Retained bill dishonor की entry क्या होती है? What is retained bill dishonor? Acceptor to BR. Acceptor to BR. Who is the acceptor? Saurav to BR. So write down. Saurav account debit to BR account. Saurav account debit to bills receivable. How much? 5,200 का बिल था. सौरव बोला था मैं 4 महीने बाद पैसे दूंगा, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए तो बिल डिसऑनर हो गया. बिल डिसऑनर हो गया. अब कितना पैसा लेना बाकी है सौरव से? How much money are you supposed to receive from सौरव? 5,200. 5,200. कुछ दे रहा है क्या? पढ़ो क्वेश्चन में. नथिंग कुड बी रिकवर्ड. नथिंग कुड बी रिकवर्ड मतलब पूरा का पूरा बैड डेट्स. एंट्री क्या बनेगी? बैड डेट्स टू सौरव. बैड डेट्स टू सौरव. कैश कुछ भी नहीं आया. कैश लिखोगे तो भी नील कर देना उसमें. कैश आया ही नहीं, पूरा का पूरा बैंकक्रप्ट हो गया. तो बैड डेट टू सौरव, 1 रुपया नहीं मिला आपने. बैंकक्रप्ट. बीइंग Saurav's account closed with bad debt. Yeah, bad debts from Saurav recorded. Bad debts from Saurav recorded. Bad debts from Saurav recorded. So, अलग क्या था problem में? बोलो मेरे को. What was the different element in the problem? Only one. Full bad debts. Full bad debt तो ठीक है. Noting charges was the different element. What that? Noting charges was the different element. Did you understand noting charge? Question में noting charges दिखा, मतलब dishonor with noting charges का entry करना है आपको. Simple. Question में noting charges दिखा, noting दिखा, मतलब dishonor with noting charge. बाकी step same. Step 2, 3, 4 are same. खाली dishonor entry with noting charge. ओके, फिर चेक करने का कैश में कितना आया, वो कैश में लिखने का. जो कैश में नहीं आया वो न्यू बिल में आ जाए ऑटोमेटिक. बैलेंस अमाउंट 5,000 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 200 केम विद न्यू बिल. कैश में 5,000 प्लस 10 रुपीज 5,000, आधा बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस केम इन कैश. लीव 6 to 7 लाइंस हाफ द साइड फॉर लेजर. ड्रॉ फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एक और प्रॉब्लम विद नोटिंग चार्जेस करना है. ड्रॉ कर लो फटाफट. सम नंबर 11.
draw for sum number 11. इलेवन सम का ड्रॉ कर लो फटाफट. दिस इज द लास्ट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट नोटिंग चार्जेस. इसके अलावा और कुछ नहीं है अभी. जो भी सम से दे आर लाइक रिविजन सम. ऑल डिफरेंट पार्ट्स हैव बीन कवर्ड. ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज नथिंग बट रिविजन. पूरा ऑल एग्जॉस्टिव एंट्रीज विल कम नाउ. ऑनर आएगा, डिसऑनर आएगा, डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस आएगा, रिन्यूअल, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट. हमने सब एग्जाम्पल एक एक बार सम में देख लिए. अभी बस उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. नाउ ऑनवर्ड्स ऑल द प्रॉब्लम आर लाइक रिविजन. So if you know the concepts and problems till now, you can crack the problems ahead. आराम से कर सकते हो आप लोग. ये सबसे लास्ट डिफरेंट एलिमेंट था नोटिंग चार्ट जो अभी हमने किया. मेरे को क्वेश्चन पढ़ के बताओ किसके बुक में लिखना है. अनिल. अनिल. All of you decide किसके बुक में लिखना है. In the journal of who? In the journal. अनिल. All of you got that? Any doubt, anyone? In the books of Anil. Okay. Anil ke books mein likhna hai. Anil ke books mein likhna hai. Anil sold goods to Sunil hai. Phir Anil ke book mein likhna hai obviously. Right? Nishisha, tell me the first entry. Sunil to sales. Very good. Sunil account debit to sales account. कितने का गुड सेल किया हमने. पढ़ो क्वेश्चन. अनिल सोल्ड गुड्स ऑफ 7,000 टू सुनील. तो 7,000 का सेल हुआ. अनिल सोल्ड गुड्स टू सुनील टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुनील. बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुनील. और डेट क्या है. डेट सेल्स का डेट पता है अपने को. ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन. नो सर. नहीं पता. 24 सितंबर को एक्सेप्ट हुआ है बिल. 24 सितंबर डेट ऑफ सेल नहीं है. गॉट इट. तो सेल कभी हुआ होगा दो तीन चार दिन पहले. नहीं मालूम है तो पुट अ डैश. जो डेट मालूम नहीं है उधर डैश. हाँ सेल का डेट मालूम है तो अज्यूम करना है कि एक्सेप्टेंस सेम डेट पे हुआ है. बट बैकवर्ड अजम्पशन मत रखना. एक्सेप्टेंस का डेट दिया है तो अज्यूम मत करना कि सेल्स भी सेम डेट पे हुआ है. सेल्स के लिए यू कैन पुट अ डैश. 24 सितंबर को उसके बाद बिल एक्सेप्ट हो रहा है. 24 सितंबर को क्या दिया है पढ़ो. ऑन 24 सितंबर 2010 सुनील एक्सेप्टेड वन बिल ऑफ 2500 फॉर 3 मंथ्स एंड अनदर बिल फॉर द बैलेंस फॉर 4 मंथ्स. वीर शाह कैन यू टेल मी दिस एंट्री. बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट डेबिट. बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट. वेरी गुड. बिल्स रिसीवेबल वन अकाउंट डेबिट. दो बिल एक्सेप्ट कर रहा है. Bills receivable two account debit. We name them one and two. So bills receivable one account debit. Bills receivable two account debit to what? Sunil account. Amount kya honge do bills ke veer? 2500, 4500 and 7000. 2500, 4500 and 7000. Date is 24th September 2010. 24th September 2010. Being BR one. And two accepted for 3 months and 4 months. 3 months and 4 months respectively. दो बिल एक्सेप्ट हो रहे हैं. दो बिल एक्सेप्ट हो रहे हैं. एक 2500 का है. दूसरा कैसा मिला 4500. आपको समझ में आया. सेकेंड बिल का अमाउंट नहीं दिया था. बैलेंस दे दिया था. 7000 देना था ना उसको. 7000 में से 2500 माइनस कर. समझा. So second bill is of 4,500. Simple. Got it? 2,500 plus 4,500. Total amount is 7,000. Do BR accept hue hain. BR1, BR2. Theek hai? Now,
आगे बढ़ते हैं. 2500 and another bill for the balance for 4 months. First bill was discounted with bank at 12% per annum on 24th October. First bill was discounted with bank on 24th October and second bill was endorsed to Srinath on 24th September. मेरे को बोलो date wise जाना है अपने को. तो पहला कौन सा बिल का एंट्री आएगा? श्रीनाथ. श्रीनाथ का आएगा कि डिस्काउंटिंग का आएगा? श्रीनाथ का आएगा. क्यों श्रीनाथ का पहले कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? एंडोर्समेंट एंट्री क्यों पहले कर रहा हूँ? क्यों? बिकॉज़ इन अ जर्नल वी फॉलो क्रोनोलॉजी, फॉलो डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, तो हो सके तो रिमेम्बर डेट वाइज जाना है. अगर घाये घाये में ऊपर नीचे कर दिया तो कैंसल मत करना, चलेगा, बढ़ जाओ आगे. ओके, एक डेट ऊपर नीचे ध्यान नहीं जाएगा तो राइट दे देगा, बट कैंसलेशन करोगे तो पक्का मार्क्स जाएगा. तो ध्यान रखना है, डेट वाइज जाना है. तो डेट वाइज पहली डेट आएगी 24 सितंबर. तो सेकंड बीआर की एंट्री पहले करनी है. सेकंड बीआर आपने क्या किया? एंडोर्स किया है. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर एंडोर्समेंट फोरम मालविया? Not clear. What did you say? BR to endorse. Endorsement entry. Srinath ko endorse kiya BR. Endorse to BR. What BR to endorse? BR credit hota hai by dealing entry mein. Srinath account debit to bills receivable. 1 or 2, कौन सा बिल है ये? 2. Srinath 2, BR 2. Srinath 2, bills receivable 2. What is the amount of this bill? 2,500 or 4,500? 4,500. Did you get this? Second bill का entry मैंने पहले कर दिया. Srinath 2, bills receivable being BR 2 endorsed to Srinath, being BR 2 endorsed to Srinath, क्योंकि डेट वाइज जाना है ना, तो 24 सितंबर पहले आता है. अभी पहला बिल पे आ जाओ. पहला बिल वाला जो एंट्री छोड़ा है वरुण तलनकर, व्हाट विल बी द डिस्काउंटिंग एंट्री? फर्स्ट बिल बैंक अकाउंट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. वेरी गुड. व्हिच बिल्स रिसीवेबल? 1 or 2? 1. So bank account debit, discounting charges account debit to bills receivable 1 account. Is that clear? Bank debit, discounting charges to BR 1 account. What is the discounting charge now? We have to calculate that. Discounting charges. कल हमने सीखा था ये part. Discounting, अगर आपको याद होगा, इसका shortcut भी मैंने बताया था. Discounting charges का shortcut, months कैसे लेना है? It is date of discounting and due date ka gap. Date of discounting and due date ka gap, right? When are we discounting the bill? Check. 1 month after. 1 month after the date of acceptance. Or bill ka duration kitna hai? What is the time period of bill? First 3 months. 3 months. So how many months ka discount should come now? Use your brains. 2 months. How many months ka discount should come? 1 month. Two months. 3 months? Two months. Because 1 month after we have given. Two months are left for that. Two months are left. Bank ko kitne mahine baad paisa milega? Two months. So 2 mahine ka discount. Ya fir shortcut yaad rakhna. Date of discounting and due date of the bill. Iska gap. Date of discounting and due date of the. What is the date of discounting? 24th October. What is the due date of the bill? September mein accept hua tha na. October, November, December. So 27th December is the due date. 24th October or 27th December? What is the gap? 24th October and 27th December. What is the gap? 2 months. 3 days ko ignore kar dene ka. 3 days ignore kar dene ka. Does not matter. Samjha sabko discounting ka period. Bank ko 2 mahine baad milega to bank will deduct interest. Discount for 2 months. So discounting charges. Kis pe calculate hoga? Bill amount. What is the bill amount? Come on. 2,500. What is the rate of discount question? Mein padho diya hoga. What is the rate of discount? Discounting rate?
12% for how many months? 1, 2, 3 How many months? Two months. 2 months. 24th October और due date का gap. What if आपने 24th September को discount करवाया था same day पे तो कितने महीने का आता discount? 24th September को ही discount करवा दिया होता तो same day पे how many months का discount would have come? Three months. In that case would have been 3 months. समझा? Hello. Discount का month समझना आपको डिस्काउंटिंग का डेट और ड्यू डेट इसका गैप डिस्काउंटिंग डेट और ड्यू डेट का गैप दैट इज द डिस्काउंटिंग मंथ टू मंथ्स यहाँ पे 24th अक्टूबर 24th दिसंबर का 2 महीने का गैप कितना आ रहा है ये आई थिंक 50 rupees आता है 50 rupees मिल रहा है डिस्काउंट एम आई राइट कैलकुलेट कितना लिखोगे बैंक में कितना लिखोगे बी आर में How much you will write in bank? 2450 2500 का बिल था ना 50 rupees काट देगा बैंक आपको हाथ में मिलेगा 2450 डेट क्या है इसकी डेट 24th October 2010 being BR1 discounted with bank being BR1 discounted with bank is this clear? Sorted है सबको एनी डाउट इन दिस एंट्री डिस्काउंट का पीरियड समझा मुझे एक बात बताओ कितने बिल्स है एट प्रेजेंट इन द स्टोरी हाउ मेनी बिल्स आर देयर वेयर इज द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड वेयर इज द सेकेंड बिल एंडोर्सी के पास है ये बात क्लियर है सबको अब पढ़ो आगे पढ़ो नतीजा क्या हो रहा है रिजल्ट ऑफ द बिल क्या हो रहा है On the due date, the first bill was honored. Tell me, where was the first bill? No entry. Where was the first bill? With the bank. Discounted with bank. Tell me, discounted BR honored. What is the entry? Discounted BR honored. No entry. Because it is with bank. Bank has given us the money. So bank will collect the money from debtor, right? So no entry. So no entry भी लिखने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ो. पहला बिल खत्म. समझ में आया सबको? पहला बिल का कहानी खत्म हो गया नाउ सेकेंड बिल व्हाट इज हैपनिंग टू द सेकेंड बिल रिन्यूअल वापस रिन्यूअल अपने माथे में एक रिन्यूअल तो लिखा ही है नसीबी खराब है पढ़ो क्या दिया है सेकेंड बिल वॉज रिन्यूड फॉर 4750 देखो सेकेंड बिल था कितने का सेकेंड बिल था कितने का 4500 का 4500 लेकिन उसको रिन्यू किया है फॉर 4750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹200 फॉर 2 मंथ्स अच्छा 4500 का बिल था 4750 में रिन्यू हो रहा है इसमें ₹200 इंटरेस्ट है मतलब 4700 होता है तो ₹50 एक्स्ट्रा क्या रहेगा नोटिंग चार्जेस देखो मैंने आपको बोला था जब भी बिल डिसऑनर होता है बंदा डेटर आपको 3 चीजें देगा क्या 3 चीजें देगा बिल अमाउंट इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्ज तो बिल अमाउंट तो हो गया 4500 इंटरेस्ट ₹200 दिया हुआ है तो 4700 ऊपर और ₹50 क्यों ले रहा है न्यू बिल में वो ₹50 क्यों ऐड हो रहा है न्यू बिल में व्हाट इज दैट ₹50 एक्स्ट्रा दैट इज नोटिंग चार्ज समझ में आया तो यहाँ पे क्लियर कट टप्पी बॉल के जैसा नहीं दिया है कि नोटिंग चार्जेस था एंट्री मारो आपको ढूंढने को बोला कैसा ढूंढा मैंने ₹50 नोटिंग चार्जेस समझा आपको 4500 का बिल था तो 4500 का एक्सेप्ट होना चाहिए ₹200 एक्स्ट्रा चलो इंटरेस्ट ₹50 और एक्स्ट्रा क्यों 4750 का क्यों एक्सेप्ट कर रहे दैट मींस दैट ₹50 इज नोटिंग चार्ज अच्छा वन मोर थिंग इज ही गिविंग एनीथिंग इन पार्ट पेमेंट इन कैश इमीडिएटली इन दिस बुक रिन्यूअल कुछ भी कैश में आ रहा है क्या पढ़ो 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 क्वेश्चन पढ़ो सब लोग क्वेश्चन 4750 वो सब बिल में ही आ रहा है इज एक्सेप्टिंग द बिल फॉर 4750 इज ही गिविंग एनीथिंग इन कैश नो पार्ट पेमेंट कुछ पार्ट पेमेंट नहीं है ओके सो कमिंग बैक टू 4 स्टेप्स ऑफ रिन्यूअल व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप या डिसऑनर रुचि 1 मिनट रुचि कैन यू टेल मी द डिसऑनर एंट्री
Ruchi Lathia, are you there? Ruchi, Jainam, yes, Gargi, bolo. What was the doubt? So I wanted to ask that the interest is already given, so we'll have to pass an entry. Yes, entry to karna hi hai. मैं बताता हूँ क्यों करना है, वो भी बताता हूँ. मुझे पहले बात ये बोलो कि डिसऑनर एंट्री क्या होगी, इस बिल की डिसऑनर एंट्री क्या होगी. वेयर वाज द एक्सेप्टर टू एंडोर्सी, एक्सेप्टर टू एंडोर्सी सुनील टू श्रीनाथ विद नोटिंग चार्जेस. एब्सोल्युटली राइट, सुनील टू श्रीनाथ विद नोटिंग चार्जेस. देखो एक्सेप्टर टू बीआर करोगे ना गलत हो जाएगा. व्हेन डू यू पास एक्सेप्टर टू बीआर? व्हेन द बिल इज रिटेन्ड. व्हेन द बिल इज विद अस. व्हेन वाज द सेकंड बिल? एंट्री करनी है ना अपने को, ये बात समझा? एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर की एंट्री करनी है, रिन्यू हो रहा है तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर. अच्छा, विथ नोटिंग चार्जेस और विदाउट नोटिंग चार्जेस? विथ. विथ नोटिंग चार्जेस. सो व्हाट इज द एंट्री फॉर एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस? इट इज एक्सेप्टर टू एंडोर्सी. हु इज द एक्सेप्टर? Saurav. Saurav nahi. Sunil. 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 Who is the acceptor? Sunil. Who is the endorsee? Srinath. Srinath. So Sunil. Sunil kya? Sunil. Sunil account debit to Srinath account. Sunil account debit to Srinath account. $1,000,000 question. What will be the amount? 4,550. 4,500 plus 50. इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्जेस. अभी अभी हमने लास्ट सम में देखा था, याद है वो सौरव राहुल वाला सम? सौरव टू राहुल, सौरव से 10,010 लेना है, राहुल को 10,010 देना है. वैसा ही यहाँ पे बिल किसके पास था? Who was having the bill? श्रीनाथ. श्रीनाथ. श्रीनाथ गया सुनील के पास, सुनील ने पैसा नहीं दिया, श्रीनाथ को गुस्सा आया. Who has done the noting? Who has paid the noting charges? Srinath. Srinath has paid. Srinath किससे वसूलेगा? हमारे से. हमारे से. हम किससे वसूलेंगे? सुनील. सुनील से. सुनील to श्रीनाथ 4550. ये एंट्री घुसा दिमाग में. Being BR2 dishonored with noting charges. Being BR2 dishonored with noting charges. डेट क्या होगा इसका? डेट कोई बता सकता है मुझे? 27 जनवरी 2011 हाउ कम? 4 months था, बराबर है? सितंबर से 4 months, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, तो 27 जनवरी बराबर है. 27 जनवरी 2011 इज दिस क्लियर? देखो बी अलर्ट इन द प्रॉब्लम. पहला चीज चेक कर लेने का, बिल किधर गया है? रिटेंड है, एंडोर्स्ड है, डिस्काउंटेड है कि बीएफसी है? फिर चेक करने का नोटिंग चार्जेस है या नहीं. अगर डिसऑनर हुआ है विथ नोटिंग चार्जेस है तो विथ नोटिंग चार्जेस का डिसऑनर एंट्री, विदाउट है तो विदाउट का डिसऑनर एंट्री. इज दिस क्लियर? ऑल द इन्फो इज देयर इन द सम. नोटिंग चार्जेस का भी इन्फो इज देयर इन द सम. जस्ट रीड इट प्रॉपरली एंड बी अलर्ट. पहला स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप क्या होता है रिन्यूअल का, बोलो मेरे को. व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ रिन्यूअल? पार्ट पेमेंट. इज देयर एनी पार्ट पेमेंट इन दिस रिन्यूअल? नो, मेरे को तो नहीं दिख रहा है. आप देख के बता सकते हो तो बताओ. कुछ दे रहा है? एक भी रुपया कैश में दे रहा है वो? कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ दे ही नहीं रहा है. पार्ट पेमेंट का जिक्र ही नहीं है उधर. कुछ हमने बोला कुछ तो दे, बोला कुछ नहीं है, एक रुपया नहीं है. बोला ठीक है चल. थर्ड स्टेप, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? इंटरेस्ट चार्ज रिसीवेबल. इंटरेस्ट चार्ज उसका एंट्री क्या रहेगा? व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट? एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट. सुनील टू इंटरेस्ट. सर ये एंट्री करना जरूरी है क्या? डायरेक्टली बिल का एंट्री नहीं कर सकते? करना पड़ेगा ये एंट्री, क्या बोलते हो तुम लोग? या वी हैव टू डू. वी हैव टू डू सुनील टू इंटरेस्ट. कितना है इंटरेस्ट अमाउंट? 200. देखो क्यों करना जरूरी है. सुनील को आप डेबिट नहीं करोगे तो क्रेडिट कैसे करोगे? पैसा लेना है ना उससे इंटरेस्ट का, तो पहले डेबिट करोगे तब हमारा डेटर बनेगा वो, बाद में उससे बिल के फॉर्म में पैसा लोगे आप. तो इंटरेस्ट की एंट्री करनी ही है. डेबिट करोगे तब डेटर बनेगा, फिर बिल के अमाउंट लेके उसको क्रेडिट करो.
अगर डेबिट ही नहीं करोगे तो फिर पैसा क्यों देगा आपको, देगा ही नहीं, वो 200 रुपया देगा ही नहीं। सुनील टू इंटरेस्ट 200, दिस इज इंटरेस्ट रिसीवेबल, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। डेट क्या होगी इसकी, सेम डेट, ऑल रिन्यूअल एंट्रीज ऑन 27 जैन 2011। लास्ट स्टेप ऑफ रिन्यूअल, व्हाट इज द लास्ट स्टेप? एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द बिल, बिल्स रिसीवेबल 3 टू सुनील अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। एकदम मिलियन डॉलर वाला क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दिस बिल? 4,500 ही देना था ना उसको, इंटरेस्ट किया तो 4,700 देना है। 50 rupees चार्जेस, ऐसा नहीं तो वैसा, आइदर इन कैश और विथ न्यू बिल, वसूलना तो है ही, समझा? तीन चीज वसूलना है डेटर से, तीन चीज, व्हाट आर द थ्री थिंग्स? बिल अमाउंट, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्ज। कैश में दिया तो ठीक है, वरना न्यू बिल के साथ तो ले ही लेंगे हम लोग। तो न्यू बिल में तीनों चीज देगा वो, क्या क्या देगा? बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्जेस, टोटल अमाउंट इज 4750। 4750 नरेशन लिखना है, BR3 एक्सेप्टेड विथ इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस, विथ इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस। मेरे को एक बात बताओ, अभी लास्ट सम में भी नोटिंग चार्जेस था, लास्ट सम में भी इंटरेस्ट था, लास्ट सम में और ये सम में क्या फर्क है नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट रिसीव करने का? लास्ट सम में नोटिंग चार्जेस कितना दिया था? 10 rupees। इस कैसा दिया था नोटिंग चार्जेस लास्ट सम में उसने? गिवन ही था 10 rupees देने का। सॉरी, क्वेश्चन में मेंशन किया था 10 rupees नोटिंग। हाँ, बट हमने कैसे रिसीव किया था? कैश, कैश, कार्ड पेमेंट में रिसीव किया था। तो डिड वी ऐड नोटिंग चार्जेस टू द न्यू बिल? नो, नो, दोनों जगह नहीं देगा, वो तो समझ में आ गया ना आपको, आइदर पार्ट पेमेंट में देगा या तो न्यू बिल में देगा। तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस कैसे दे रहा है? इज ही गिविंग इन पार्ट पेमेंट और इज ही गिविंग इट विद न्यू बिल? बिल, बिल, बिल के साथ दे रहा है, बिल के साथ दे रहा है। समझ में आया फर्क, समझा दोनों का? अब मेरे को एक और चीज बताओ, यही सम में अगर ऐसा दिया होता, ही पेड नोटिंग चार्जेस इन कैश, ही पेड नोटिंग चार्जेस इन कैश, तो कैश में कितना रुपया मिलता आपको? 50, 50, 50. तो फिर न्यू बिल में कितना रुपया देना पड़ता उसको? 4,700। समझ में आया कैसे? क्योंकि 50 rupees कैश में दे दिया। What if he would have paid interest and noting charges in cash? What if he would have paid interest and noting charges in cash? तो फिर कैश में कितना रुपया मिलता आपको? 250. तो फिर न्यू बिल में कितना देता वो? 4,500. समझ में आ रहा है? मैं खाली शफल कर रहा हूँ अमाउंट। कैश में दे रहा है तो न्यू बिल में नहीं देगा, न्यू बिल में दे रहा है तो कैश में नहीं देगा, दोनों में से एक जगह पे जरूर देगा। इनसे बेटर है दिमाग में सर, बोलो। इफ ही पेस नोटिंग चार्जेस देन वी ट्रीटेड एज पार्ट पेमेंट ओनली, राइट? यस, वी ट्रीटेड एज पार्ट पेमेंट ओनली कैश। व्हाटएवर ही पेस इन कैश इज पार्ट पेमेंट, सिंपल। व्हाटएवर ही पेस इन कैश, इफ ही पेस द बिल अमाउंट, इफ ही पेस द नोटिंग चार्जेस, इफ ही पेस द इंटरेस्ट अमाउंट, जो दिया वो, जो रोकड़ा दे रहा है वो पार्ट पेमेंट। कैश टू एक्सेप्टर इज द इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर? अमाउंट समझा? अब चलो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, लास्ट वाला, सब लोग दिमाग लगा के बोलो कैसे लिखाओगे। यही सब में ऐसा दिया होता, ये 4750 वाला रिन्यूअल में ऐसा दिया होता, सपोज ही पेज इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस एंड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल इन कैश, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस एंड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल इन कैश, तो फिर आपको कैश में कितना रुपया आता? 750. इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस एंड हाफ द अमाउंट ऑफ बिल इन कैश, तो 2500. कैसा मिला 2500? बिल का आधा कितना होता है? 2250, नोटिंग चार्जेस का 50, इंटरेस्ट का 200. 2500 यू वुड हैव गिवन इन कैश, तो न्यू बिल के साथ कितना आता? Only 2250. Only 2250. क्योंकि सब मिला के कितना होता है? 4750.
समझ में आया बात? एक बार अगर उसने नोटिंग चार्जेस कैश में दे दिया तो क्या वापस देगा न्यू बिल के साथ? बोलो नहीं. एक बार अगर उसने इंटरेस्ट कैश में दे दिया, विल ही गिव इट विथ न्यू बिल अगेन? दोनों में से एक जगह पे देगा, या तो कैश या तो न्यू बिल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस कंसेप्ट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? एनीवन? स्टिल एनीवन? प्लीज आस्क, एल्स वी प्रोसीड. रिन्यूअल का पार्ट खत्म, अभी आगे बढ़ो. क्या दिया है पढ़ो. व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट? नेक्स्ट में क्या दिया है? ही सेटल्ड श्रीनाथ अकाउंट. ये कहां से टपका श्रीनाथ बीच में? Who the hell is Srinath? I don't know. Who is Srinath? Endorsee, our creditor. Are we supposed to pay him or receive from him? How much are we supposed to pay him? We are supposed to pay him. So I think. What do you think? 4,500. Is it 4,550? Because yeah, he paid the noting charges. How much are we supposed to pay to Srinath? 4,550. ये देखो, ये दिख रहा है आपको? Sunil to Srinath, dishonor हुआ था. With noting charges कि without noting charges? With noting charges. Last sum में देखो राहुल भैया को कितना पैसा दिया है हमने? Previous sum, how much did we pay to Rahul? 10,000 दिया है कि 10,010 दिया है? 10,010. हाँ, तो ये सब में कितना देना है उसको? 4,500 plus noting charges, 4,550. Which entry is this? He settled Srinath's account. Battichum का extra entry. Question में दिया है तो ही मारने का. What is the journal entry for settling Srinath? Can you tell me? Srinath to bank. Srinath to cash या Srinath to bank. Check दिया है तो bank. Otherwise cash भी लिख सकते हो. Srinath account debit to cash account. कितना पैसा देना है Srinath को? बोलो. 4,500 बिल का प्लस 50 रुपया नोटिंग चार्जेस का. 4,550. समझाइए. अगर नोटिंग चार्जेस इनकर नहीं हुआ होता तो वुड हैव पेड 4,500. बट बेचारे ने पे किया है तो हमें उसको देना पड़ेगा. बीइंग श्रीनाथ अकाउंट सेटल्ड. ठीक है. डेट क्या होगी? व्हाट इज द डेट ऑफ दिस सेटलमेंट एंट्री? 27th Jan, same day. 11. Okay, कुछ नहीं दिया तो same date. Due date के दिन हमने श्रीनाथ को सेटल किया. ये एंट्री समझा? ये स्टार मार्क वाला एक्स्ट्रा एंट्री है. हर एक सम में नहीं करना है. Only if it is specified, then you need to do. श्रीनाथ को कुछ लेना देना बाकी है? अभी बोलो मेरे को. खत्म. अभी बिल पे आ जाओ. How many bills are there in existence as of now? Three bills. One bill. BR3. Only one bill is there in existence. What is happening to that bill? Read. Renewed bill was dishonored and immediately Sunil gave a draft for the required amount. Tala renewed bill bhi dishonor hua. Renewed bill bhi bounce ho gaya. Where was this renewed bill? Where is this third bill? Tell me. Retained. Where is this third bill? All of you tell me. Is it discounted, retained, BFC or... endorsed. Where is the third bill? It was retained. But this 4750 wala bill is retained. Kuch nahi diya hai. Honor hua ki dishonor hua? Dishonor. Tell me the entry for dishonor. Hitanshi, retained bill dishonor ki entry? Acceptor to BR. Very good. Who is the acceptor? Sunil. Sunil to BR. What is the amount? What is the amount of third bill? What is likha? 4750. Abhi abhi likha humne. Narration likh do. Being BR3 dishonored. Being BR3 dishonored. Can you tell me the date? 30th March 2009. Kitna mahine ka extension kiya tha usne? Renewal period kitna tha? Padho par. 2 months था. 2 months from 27 Jan. कितना होता है 27 Jan से 2 months? 27 Feb, 27 March plus 3 days of grace. 30th of March. Can you all see that? अभी इसके बाद क्या हुआ है? Is Sunil bankrupt?
No. What did he do? He gave a draft. He gave us a draft for the required amount. Immediately gave us a draft for the required amount. Draft matlab bank draft. Bank draft. Draft means bank draft. बैंक ड्राफ्ट मतलब इट इज लाइक चेक, उसने इमीडिएटली पूरा पैसा अरेंज करके दे दिया आपने को. इज देयर एनी बैड डेट? नो. कहीं से तो अरेंज किया, पैसा दे दिया. अब मुझे एक बात बताओ, एंट्री क्या करोगे इसके लिए? पूरा पैसा सुनील. बैंक टू सुनील. बैड डेट नहीं है. लास्ट सम में कैसा पूरा बैड डेट हो गया था, अगर आपने ध्यान दिया था तो. प्रीवियस सम में पूरा बैड डेट था, एक रुपया नहीं मिला, इधर पूरा पैसा मिल गया, पैसा तो अरेंज किया उसने. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, कितना पैसा दिया उसने? How much money did he give us? 4750. Immediately draft दिया, मतलब bank draft दे दिया. Narration लिखना है, being Sunil's account settled by draft. Being Sunil's account settled by draft. Being Sunil's account settled by draft. One minute. Sunil's account settled by draft. अच्छा, इसका date would it be 30th March? No, but because if it was 30th March, then what would have been like? Same day. It is not 30th March. Because on 30th March, did he give us the money? No. Because on 30th March, bill would have been honored. Yes or no? Bill got dishonored. Matlab 31st ya 1st ya 2nd, we don't know. Ek do din mein bhai ne kahin se to fatafat paisa arrange kiya aur apne ko de diya. Due date पे पैसा नहीं मिला है. That's why in the question they have given that the bill is dishonored. They have given it clearly that the bill is dishonored. मतलब 30th मार्च को तो पैसा नहीं मिला है. 31st मार्च, 1st अप्रैल, 2nd अप्रैल, 3rd अप्रैल, दो तीन दिन में फटाफट अरेंज करके गिव अस द मनी. Got it? Bank to Sunil. Yeah. What was the doubt? No sir, it got clear. But it got cleared? Yeah. What was the doubt, Priyal? This only. What this, all of you? ये ऑनर नहीं हुआ है, बिल ऑनर नहीं हुआ है. हेलो भाई और बहनों, ऑनर का मतलब ड्यू डेट को ही पैसा मिलना चाहिए. ड्यू डेट को पैसा नहीं मिला, बिल इज बाउंस. क्वेश्चन में दिया बिल डिसऑनर, डिसऑनर का एंट्री कर देने का. फिर अपने को मालूम नहीं था, ओके इधर से तो अरेंज करके दे दिया पैसा, अपने को क्या फर्क पड़ा, अपने को पैसे से मतलब है. तो बैंक टू सुनील पूरा पैसा मिल गया, नथिंग इज बैड डेट. डेट में डैश डालना, डेट कैन नॉट बी 30th मार्च. 30th मार्च होता तो ऑनर हो जाता. Abhi, leave half the side and draw for the last sum for the day. Sir, I have one more doubt. Like, if it was dishonored and then we could have passed the bad debts entry and then we could have written bad debts recovered. No. Then they would have given it clearly that he was insolvent. Have they mentioned any he was insolvent? No. Then you can't write bad debt. Bad debt you have to write only if it is bankruptcy or insolvent. एक दो दिन बाद अरेंज करके दे दिया उसने. चलो फटाफट ड्रॉ करो नेक्स्ट सम का लास्ट सम फॉर द डे. वाइंड अप. ये सम है आपका सम नंबर 12 is also with noting charges. आज का सम में सब noting charges वाला सम है. 12th sum. In whose books are we writing? Just read the first line. Ram. In the journal of Ram. Perfect. In the journal of Ram. ठीक है. The particulars. In the journal of Ram. Let's start. First entry, Ram sold goods of 8,000 to Raja on 21st March 2010. Chaitya, tell me the first entry. राम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट. अरे यार मेरे को हार्ट अटैक दे रहा है. हम लोग राम है, हम लोग राम. राम के बुक में राम का नाम नहीं आता है. राजा टू सेल्स. अरे सर क्वेश्चन क्या था? अरे राम सोल्ड गुड्स टू राजा. तो ड्रॉवर राम है. हाँ. तो फिर राजा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट बराबर. और डेट
21 3 10 बराबर ध्यान से पढ़ो हम लोग राम है राम के बुक में लिख रहे हैं राम के बुक में राम का नाम नहीं आएगा नहीं आएगा बराबर तो राजा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने का है राजा टू सेल्स व्हाट इज द अमाउंट 8000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजा बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजा 21 3 10 किरण शाह Tell me the next entry. On 25th March, Raja gave a check of 3000 and accepted two bills of equal amount for 3 months and 4 months respectively. उसने चेक भी दिया है और दो बिल्स भी दिया है. Entry क्या होगा? So bank account debit to Raja account and then पूरा पूरा साथ में पूरा साथ में. Okay. So एक सेकंड सर. बैंक अकाउंट डेबिट फिर बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट यस और 2 राजा अकाउंट परफेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल 1 डेबिट बिल्स रिसीवेबल 2 डेबिट 2 राजा अकाउंट 2 राजा अकाउंट बराबर है बैंक डेबिट बीआर 1 डेबिट बीआर 2 डेबिट 2 राजा अकाउंट Why have I written bank? Did you all get this? Because Raja bhai ne kya kiya hai? Apne ko check bhi diya hai. Check bhi diya hai aur do bills diya hai. Two bills accepted. Amounts kya honge? Soch ke bata sakte ho? Sir, bank mein 3000 aur bills receivable 1 or 2 mein 2500 each. Very good. Kyunki total kitna lena tha apne ko? 8000. 8000 mein se 3 minus karo to bachta hai 5. 5 divide by 2 karo. So 2500 per bill. Is this clear? So bank account debit BR1 BR2 to Raja being BR1 comma 2 accepted and check received from Raja. Okay. BR1 and 2 accepted when check received from Raja. Ye sab kaun se date pe ho raha hai? 25th March. Diya hua hai aapko question mein. All this is happening on 25th March. So 21st March ko you sold. The goods and 25th March ko you got the check and BR1, BR2. Comfortable till this point? Okay. Now, let's proceed. First bill was discounted at 12% per annum and the second bill was endorsed to Rahim. Jia Shavla, can you tell me the discounting ka entry? Bank account debit discounting charges account debit to accepted. To sorry BR sorry. Bank discounting charges to BR. So bank account debit discounting charges account debit to bills receivable 1 account, right? Bills receivable 1 account. डेट ऑफ डिस्काउंटिंग का मालूम नहीं है अपने को तो व्हाट डू यू अज्यूम व्हाट विल बी द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 25th मार्च सेम डेट 25th मार्च ओके डिस्काउंटिंग चार्जेस भी अपने पास है नहीं तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे करना है पीएनआर वाला फॉर्मूला है व्हाट इज योर बिल अमाउंट 2500 What is the rate of discount? Padho, question mein padho. What is the rate of discount? 12%. 12% hai, right? And for how many months? Use your brains. First bill. First bill was for how many months? Same day discount. Three months, 4 months, 2 months, 1 month. How many months ka discount? Bolo. 3 months. Sorry? Three months. Same day discount करवाया ना तो बैंक को कितने दिन बाद पैसा मिलेगा after 3 months या फिर आपको shortcut दिया है date of discounting और due date का gap date of discounting और due date का gap that is 3 months got it तो 3 महीने का discount आएगा करो कितना आता है ये cut 75 आ रहा है are you getting 75 rupees is discount bill value was 2500 Bill value was 2500. So how much you will get in hand? I think you will 2425. 2425. Is that right? 2425.
नरेशन लिखना है बीइंग बीआर वन ऑनर्ड, बीइंग बीआर वन ऑनर्ड, बीइंग बीआर वन, अरे ऑनर्ड डिस्काउंटेड हुआ, डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड, ओके बीइंग बीआर वन डिस्काउंटेड. Harsh Tulsiyan, can you tell me the second entry ka dealing part? What is happening to the second bill? It was endorsed to Rahim. And endorsed to Rahim. What will be the entry? Entry for endorsement? Rahim to bills receivable. Rahim to bills receivable. One or two? Two. Rahim to bills receivable two account. What is the amount of this bill? This bill is also of 2,500. Rahim to BR2, being BR2 endorsed to Rahim. Being BR2 endorsed to Rahim. वो भी डेट क्या होगा? उसका भी डेट क्या होगा? 25th मार्च. कुछ नहीं दिया है तो acceptance डेट के दिन पर ही डील हो जाएगा. बराबर है? All of you with me? क्या हुआ दोनों बिल्स को? बिल नंबर वन went to bank, discount करवा दिया. And bill number two went to Rahim, endorse किया हुआ. Sorted है सबको story यहाँ तक? Now think the result of the दिया हुआ. Question पढ़ो. First bill was honored on the due date. First bill was honored on the due date. Where was the first bill? Discounted with bill honored. What is the entry? No entry. Sure. Discounted bill honor ki no entry. To khatam. Janjat hi nahi. What if second bill bhi honor ho jata to? No entry. No entry. Sam idhar hi khatam ho jata. Okay? Kitna achha hota. Lekin afsos, hamara naseeb itna achha nahi hai. Padho wahan pe. Question mein kya ho raha hai? Second bill ka kya ho raha hai? Devansh Doshi. What is happening to the second bill? Whereas second bill was renewed by paying 1,000 in cash along with interest at 12% for 2 months. Per annum for 2 months, and for the balance amount and noting charges rupees 20, he accepted a new bill. So renewal ho raha hai, pehli cheez clear hui, renewal ho raha hai. Renewal ka first step, Devansh Doshi, what is the first step of renewal? So dishonoring the first bill. Dishonoring the old bill. Where was the old bill? Where was the bill? सर रहीम के साथ था तो एंडोर्स था. एंडोर्स भी आर डिसऑनर की एंट्री करनी है. बराबर है? विथ नोटिंग चार्जेस या विदाउट नोटिंग चार्जेस? देवांश सर विथ. विथ नोटिंग चार्जेस. वर ऑल ऑफ यू एबल टू रिकॉग्नाइज दैट? क्वेश्चन में क्लियर कट दिया हुआ है. नोटिंग चार्जेस है मतलब बी आर गॉट डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. यस देवांश, व्हाट इज द एंट्री? एंडोर्स बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. सर एंडोर्स बिल का डिसऑनर एंट्री इज डेटर अकाउंट टू एंडोर्स अकाउंट. हाँ, who is the debtor here? So debtor here is Raja to Rahim. तो राजा टू रहीम. राजा टू रहीम. मिलियन डॉलर क्वेश्चन. What is the amount of this bill? अभी राजा टू रहीम. So sir amount is 2,500 plus 20 rupees noting charges. Very good. 2,520. राजा से 2,520 लेना है. रहीम को 2,520 देना है. बात समझ आई आपको? थर्ड टाइम वी आर डूइंग दिस टुडे. वाला किया, फिर श्रीनाथ वाला किया, और अब ये वाला कर. ओके, एक्सेप्टर टू एंडोर्स ही इंक्लूसिव ऑफ नोटिंग चार्ज. बीइंग बी आर टू डिसऑनर्ड, बीइंग बी आर टू डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस. विथ नोटिंग चार्जेस. व्हाट विल बी द डेट ऑफ दिस डिसऑनर? कैन यू ऑल टेल मी व्हाट विल बी द डेट? 28 July. Very good. 28 July. How come 28 July you got that? Because 4 months. The second bill period was 4 months. If you check on top, it was 4 months, right? So March, April, May, June, July plus 3 days of grace. 28 July. Perfect. First step is done. What is the second step, Rutva? What is the second step? पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड. बट यहाँ पे आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ के बताओ, पार्ट पेमेंट में क्या मिल रहा है आपको? पार्ट पेमेंट का 1,000 rupees प्लस इंटरेस्ट. बिल का 1,000 मिल रहा है और इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट इज कमिंग इन कैश और विथ न्यू बिल. कैश.
विद कैश. जब भी इंटरेस्ट कैश में आता है तभी क्या करना है आपको, प्रेजेंटेशन चेंज करना है. व्हाट इज दैट न्यू प्रेजेंटेशन? डू यू या तो क्लब कर सकते हो, थर्ड वाला पहले लिख, या तो सेकंड और थर्ड एंट्री को क्लब कर सकते हो, या सेकंड और थर्ड एंट्री को क्या करना है, स्वैप कर देना. स्वैप समझा? स्वैप क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इंटरेस्ट इज कमिंग इन कैश. कल किया था ना हमने, याद होगा आपको, सम नंबर 2 एंड सम नंबर 4. सो स्वैप कर देना. तो पहले मैं थर्ड एंट्री कर रहा हूं. व्हाट इज द थर्ड एंट्री? राजा टू इंटरेस्ट, एक्सेप्टर टू इंटरेस्ट, राजा टू इंटरेस्ट. ओके, राजा टू इंटरेस्ट, राजा टू इंटरेस्ट. नॉट विथ इंटरेस्ट. 1000 इज ओनली टुवर्ड्स बिल. देखो ना, पढ़ो, दिया हुआ है 1000 प्लस इंटरेस्ट. अलग से 1000 इन कैश अलोंग विद इंटरेस्ट. अलोंग विद इंटरेस्ट मतलब 1000 इन कैश वो बिल का है, अलोंग विद इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अलग है, सेपरेट. 1000 इन कैश इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऐसा नहीं दिया. 1000 इन कैश अलोंग विद इंटरेस्ट मतलब वो तो है ही, प्लस इंटरेस्ट. ओके, दोनों कैश में आ रहा है. अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये अगर आपको समझ में आ गया इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया. 1500 इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होगा? 1500 ना, 1520 के 1500. 1520. देखो बिल अमाउंट क्या था, 2500 था, जिसमें से वो 1000 तो दे दिया, तो बचा 1500 एक्सटेंड करके दे रहे हैं, लेट दे रहे हो तो इंटरेस्ट तो लेना ही है, प्लस 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस, वो भी उससे लेना बाकी है. यस और नो? तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, 1500 की 1520? 1520. हाँ, अगर उसने नोटिंग चार्जेस कैश में दे दिया होता तो फिर इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे कैलकुलेट होता? 1500 पे होता. समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? बैलेंस अमाउंट जितना भी लेट पे कर रहा है, तो लेट पे कर रहा है तो सब कुछ बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस भी लेट पे कर रहा है वो, तो 1520 बनिया बनने का बनिया, थोड़ा सा भी व्याज नहीं छोड़ने का, बी वेरी अलर्ट. 1520 रुपए पे यू विल चार्ज इंटरेस्ट. 1520 पे वॉट रेट क्वेश्चन में दिया है? So we haven't passed the part payment entry. Why haven't we passed the part payment entry? I just now discussed. Because we are receiving the interest in cash. Interest cash में आता है तो आप क्या करते हो? Third और second entry को swap कर देते हो, क्योंकि पहले receivable बाद में received की entry आती है. Yeah. कल किया था हमने. So पहले third entry करूँगा, फिर second entry करूँगा मैं. Interest cash में आ रहा है. तो बोलो मेरे को 1520 पे आएगा इंटरेस्ट, बैलेंस अमाउंट उस पे रेट क्या है? रेट है 2%. क्या 2%? 12% व्हाट मैन, 12%. एंड हाउ मेनी एक्सटेंडेड पीरियड क्या है, कितना एक्सटेंड करवा रहा है? पढ़ो, रिन्यू. टू मंथ्स. तो 2 मंथ्स, ये 12 कट, 00 कट, कितना आता है? हाउ मच इट कम्स टू? पॉइंट फाइव या मोर देन फाइव है तो राउंडेड ऑफ टू हायर साइड, लेकिन राउंड ऑफ करना ही है. पॉइंट फाइव और मोर देन फाइव, राउंडेड ऑफ टू हायर साइड. हेलो नंबर में लेक्चर में फोन करता है. पॉइंट फाइव और मोर देन फाइव, राउंडेड ऑफ टू हायर साइड. पॉइंट फाइव से कम है तो राउंडेड ऑफ टू लोअर साइड. इज दिस क्लियर? तो 30.5 होता ना तो 31 बना देने का, 30.6 है तो 31, 30.4 है तो नीचे की साइड. डेसिमल में नहीं रखना है, हमेशा राउंड ऑफ, ऑलवेज राउंड ऑफ. ओके, तो 30 rupees इज योर इंटरेस्ट. 30 rupees इज योर इंटरेस्ट. डेट इज सेम, 28 July. नरेशन लिखना है बीइंग BR 2 डिसऑनर्ड. अरे अरे, सो वी कैन क्लब द एंट्री, राइट? बीइंग इंटरेस्ट
receivable. Yeah, what were you asking? Can we club the entry? Club entry number 2 and 3. 2 and 3 को club कर सकते हो, और किसी को club मत कर. अभी जो मैं करूंगा ना 2 and 3, third वाला कर रहा हूँ. या तो swap करो या तो club करो, दोनों में से एक करो. So third वाला अभी क्या होगा? What will be my third entry? The second one. Second step will be my third entry. What will be the third entry? बोलो. Part payment. What is the entry for part payment? All of you. Cash to Raja. Part payment. मुझे सोच के बताओ कितना पैसा मिल रहा है in cash? 1030. 1030 rupees की 1000. How much you will receive? पढ़ो उधर क्वेश्चन पढ़ो वापस. 1000 इन कैश अलोंग विद इंटरेस्ट. हाउ मच इज इंटरेस्ट मालूम है अपने को, ये रहा 30 rupees. तो 1000 प्लस 30 दैट कम्स टू 1030. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? 1030 इज व्हाट यू आर रिसीविंग इन कैश बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव विद इंटरेस्ट. पार्ट पेमेंट रिसीव्ड विद इंटरेस्ट. ये हुआ प्रेजेंटेशन नंबर वन. व्हाट इज प्रेजेंटेशन नंबर टू? आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? कैश टू राजा टू इंटरेस्ट. ये दोनों एंट्री को आप मर्ज कर सकते हो. राजा टू इंटरेस्ट, कैश टू राजा. तो कैश टू राजा टू इंटरेस्ट, यू कैन मर्ज दैट. ओके, दैट इज प्रेजेंटेशन नंबर टू. यू कैन डू इट दैट वे ऑल्सो. योर विश, दो और तीन को स्वैप करो या दो और तीन को मर्ज करो. नेक्स्ट वन, लास्ट पार्ट. व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ रिन्यूअल? New bill accepted. What's the entry for new bill accepted? Bills receivable. Number kya hoga? Bills receivable number 3. BR3 to Raja. $1 million question. What is the amount of this bill? 1490. नोटिंग चार्जेस प्लस, देखो आराम से, नोटिंग चार्जेस प्लस 1500. देखो जब भी बिल डिसऑनर होता है डेटर को आपको तीन चीज देना है. व्हाट आर द थ्री थिंग्स ही सपोज टू पे? द बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट. करेक्ट, तीन चीज देना है. इसमें से कितना पैसा आपको कैश में मिल चुका है? 1030. हाउ मच हैव यू रिसीव्ड इन कैश? 1030. तो कैन आई से टोटल 2550 अपने को लेना है, जिसमें से 1030 मिल चुका है. तो बचा कितना? 1520. दैट विल बी द अमाउंट ऑफ न्यू बिल. सिंपल, तीन चीज लेने का है, बिल अमाउंट, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्ज. उसमें से जो कैश में आ गया उसको हटा दो. कैश में 1030 दे दिया ना, 1000 ऑफ बिल एंड 30 ऑफ नोटिंग, सॉरी 1000 ऑफ बिल एंड 30 ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है. तो अभी और क्या लेना बाकी है उससे? 1500 बिल का लेना बाकी है और 20 रुपया नोटिंग चार्जेस का लेना बाकी है. इसी पे तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था अभी, भूल गए? अभी आपने इंटरेस्ट मारा था 1520 पे, क्योंकि 1520 लेट आ रहा है पेमेंट. 1520 will be accepted with new bill. समझा कि नहीं? Hello. 1520 is the amount of new bill. कैसा 1520? 1500 bill का और 20 रुपया noting charges का. Being BR3 accepted with noting charges. BR3 accepted with noting charges. Once again, टोटल कितना लेना था डेटर से? टोटल कितना लेना था बोलो? हाउ मच टोटल मनी वी वर सपोज टू रिसीव? 2500 ऑफ बिल प्लस 20 ऑफ नोटिंग चार्जेस प्लस 30 ऑफ इंटरेस्ट, राइट? 2550 लेना था. 2550 में से 1030 आ जाएगा, कैश में आ चुका है. तो बचा कितना? 1520. 1520 विल कम विथ न्यू बिल. Sorted? Is it clear? बस, what is happening to this new bill? पढ़ो क्या हो रहा है न्यू बिल का. It became insolvent. अच्छा, बीच में एक और एंट्री है. Wait. रहीम रहीम अकाउंट वॉज सेटल्ड. ये कहां से टपका रहीम?
Rahim कौन था? Rahim was our creditor, endorsee. This is at star mark वाला extra entry. What is the entry for settling Rahim? Tell me. Rahim to bank. Yes. Rahim to bank. Rahim to cash आएगा ना sir? Bank दिया नहीं. Cash, 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 cash. Rahim to cash. कितना पैसा देना है रहीम को ये बताओ मुझे. 2520. How come 2520? 2500 of bill plus 20 of noting charges. This is the third time I am doing this entry today. Rahul वाले में भी किया था, श्रीनाथ वाले में भी किया था, and now रहीम वाले में कर रहे हैं. रहीम टू कैश, ओके, स्टार मार्क वाला एंट्री, एक्स्ट्रा एंट्री. कौन से डेट पे सेटल करोगे रहीम को कुछ नहीं दिया है तो? बोलो. Being रहीम's account settled. What will be the date of settlement? Hello. 28 July. कुछ नहीं दिया है तो सेम डेट, ओके, रिन्यूअल का डेट 28th of July. समझा ये एंट्री. नेक्स्ट वन इज कमिंग बैक टू द बिल. हाउ मेनी बिल्स आर देर इन एग्जिस्टेंस नाउ? जस्ट वन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट बिल? 1520. व्हाट इज हैपनिंग टू द बिल? पढ़ो क्वेश्चन में, पढ़ो 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 पढ़ो. व्हाट इज हैपनिंग? रीड ऑल ऑफ यू, रीड रीड रीड. ऑनर हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, क्या हो रहा है? डिसऑनर. डिसऑनर हो रहा है, मिला सबको. बिकॉज अपना जो डेटर है वो क्या हो रहा है? राजा इज बिकमिंग इनसॉल्वेंट. हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है. कैन यू ऑल सी दैट? मनन पटेल, व्हाट विल बी द एंट्री? वेयर वाज दिस बिल? इट वाज विद अस, रिटेन. रिटेन, तो रिटेन बिल का डीलिंग एंट्री तो है नहीं, सीधा डिसऑनर एंट्री क्या होगा रिटेन बिल का? राजा अकाउंट टू बीआर. वेरी गुड. राजा टू बीआर अमाउंट क्या होगा? 1520. राजा टू बिल्स रिसीवेबल 3. 1520. 1520. Being BR3 dishonored. Being BR3 dishonored. Date kya hogi? What is the due date? 1st October. 1st October. 28th July tha na? 2 mahina tha I think. So 28th August, 28th September. Plus 3 days of grace. So 1st October. 1-10-10. Absolutely right. 1-10-10. 1-10-10. Raja to BR. फाइनल सेटलमेंट कितना पैसा आ रहा है राजा से? इंसॉल्वेंट हो गया, पढ़ो. हाउ मच आर यू गेटिंग? 400. ईशा, व्हाट विल बी द एंट्री? कैश बैड डेट्स टू राजा. कैश बैड डेट्स टू राजा. कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजा अकाउंट. हाउ मच डिड वी रिसीव ऑन द स्पॉट? ओनली 400. Out of 1520, 400. Now, how much is bad debt in that case? 1120 will be bad debt, I think. Is that right? 1120 ka bad debt ho gaya. Being part amount received from Raja and account closed with bad debts. Yeah, bad debts recorded. And bad debts recorded. Part amount received and bad debts recorded. This is also on 1-10-10. This is also on 1-10-10. यहाँ पे आपका सम हुआ खत्म. Sir, it won't be on 1-10-10, right? Sorry, this will be on 1-10-10, na? Insolvency, both the entries on the same day. Dishonor and insolvent. If he's insolvent, then why dishonor? He is insolvent. So on the due date, was he able to pay you the bill amount entirely? No. So if he is violating any of the term of the bill, even if he is paying 1 rupee less, it means that the bill is dishonored. Bill ko to dishonor kar diya. Abhi bill is no more our asset. Debtor is our asset. Now we asked him, how much are you giving? He said 400. Cash bad debt. Pura paisa diya to honor. Pura paisa bill ka diya to hi wo bill honor gina jaye. Pura paisa nahi diya matlab dishonor. Then receive whatever you are able to receive from debtor. So leave half the side for ledger. Sorted. Aapko एक सम आई विल गिव फॉर होमवर्क. यू हैव डन सिक्स्थ सम? एक मिनट, वन मिनट, वन मिनट. सिक्स्थ इज लेफ्ट, राइट? यस सर, सिक्स्थ इज लेफ्ट. बाकी सब हो गया? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 तक सब हो गया?
So I think sixth sum is left. 1 minute. हाँ तो आपको सिक्स्थ सम है ना, सिक्स्थ सम देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप बोलो पॉसिबल है क्या, तो आप करो हाँ, एकदम कॉन्फिडेंटली होना चाहिए पॉसिबल। सिक्स्थ सम, मनोज सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 टू नरेन, तो सेल्स एंट्री आएगा, बराबर है। नरेन एक्सेप्टेड टू बिल्स फॉर 4,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली फॉर 3 and 4 months, दो बिल एक्सेप्ट किया है BR1, BR2. Then, first bill was endorsed to Ritesh. You know the entry? First bill was endorsed to Ritesh. Date of endorsement, same date rahega. Second bill was discounted with bank for at 12% per annum on 9th June. Matlab, 3 din baad. Will it make any difference? 3 din baad? Nahin. Jitna mahina hai, jo bill ka hai, 4 mahina, wohi 4 mahine ka discount aayega. Samjha? So, first bill endorsed kiya hai, second bill discount kiya hai. Story clear hai yahan tak? On the due date, both the bills were renewed for 2 months by paying half in cash and accepting a new bill for the balance at interest 8% per annum. Dono bill renew ho raha hai. Lekin, dono bill ka renewal entry is alag alag karna padega kyunki date alag alag aayega. Pahla bill 3 mahine ka hai, dusra bill 4 mahine ka hai. Suna? Pahla bill ka 4 renewal entries, second bill ka bhi 4 renewal entries. रिन्यूअल में व्हाट इज ही गिविंग इन कैश, व्हाट इज ही गिविंग इन कैश पढ़ो, बोथ द बिल्स इन कैश, हाफ इन कैश मतलब बिल का आधा पैसा इन कैश एंड एक्सेप्टिंग द बिल फॉर द बैलेंस एंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है, कैश के साथ या न्यू बिल के साथ? न्यू बिल के साथ। वी कैन डू दिस एट होम, यू कैन डू दिस। और फिर फाइनली दोनों बिल ऑनर हो रहा है और बोथ द बिल्स आर गेटिंग ऑनर्ड, गॉट इट। So, bill BR1 tha, BR2 tha. Do bill tha. One will become 3, 2 will become 4. And then 3 and 4 are honored. BR3 and BR4 are getting honored. Dates ka dhyan rakhna hai. Do renewal hai, dono ko renew karna hai. Any confusion, any doubt, you can ask me right now. Manageable hai? Yes, sir. Izzat se karna. Agar khud se ye sum crack kar lete ho, khud se main bol raha hu. Entries karke. Boards mein guaranteed 10 marks. Secured. गारंटी 10 मार्क्स सिक्योर, सुना? इज्जत से करना, टाइम का घाई मत करना, टाइमिंग अपने अपसेट हो जाएगा, आधा घंटा लगा, 35 मिनट्स लगा, आराम से बैठ के करो, ठीक है? और पीडीएफ मेरे को सेंड करना है आज शाम तक, टुडे इवनिंग टिल 9 o'clock, ठीक है? 9 o'clock तक होमवर्क सब सॉल्व करके ग्रुप में आ जाना चाहिए पीडीएफ, ठीक है? डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन। बाय सर। बाय सर।